हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 19th ऑफ अगस्त 2019 के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के हाइलाइट्स को। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम रखा गया है इन मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। फिर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में। फिर हम बात करेंगे एक गोल्ड मेडल जो कि जीता है इंडिया ने इन टेनिस चैम्पियनशिप। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन टू UN स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड। उसके बाद हम बात करेंगे MOUs मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन है न्यू क्रिकेट कोच ऑफ टीम इंडिया। और फाइनली हम बात करेंगे इंडिया ने जो सस्पेंड किया थार लिंक एक्सप्रेस को। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस करते हैं। लखनऊ का फेमस हज़रतगंज चौराहे का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम है अटल चौक, और ये किया गया इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे हज़रतगंज चौक का जो नाम है उसको बना दिया गया अटल चौक। ये होगा 16th ऑफ अगस्त से शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी एक 5-time MP रह चुके हैं लखनऊ से, और उनके उनके मेमोरी में अटल स्मृति उपवन भी उसको भी बिल्ड किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जो उनका पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में। तो उनका बर्थ हुआ था 25th ऑफ दिसंबर 1924 को, और उनकी डेथ हुई थी 16th ऑफ अगस्त 2018 को। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, एक पोएट थे, एक स्टेट्समैन थे, और उन्होंने सर्व किया था एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर 3 times। सबसे पहले उन्होंने सर्व किया था 1996 में फॉर 13 days। उसके बाद उन्होंने सर्व किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1998 से लेकर 1999 तक 13 मंथ्स के लिए, और फाइनली उन्होंने अपनी टर्म को पूरा किया था 1999 to 2004। वो पहले ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, और उन्होंने अपनी टर्म पूरी करी थी 5 years की ऑफिस में, और वो थे भारतीय जनता पार्टी से, BJP को वो रिप्रेजेंट करते थे। हम चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। अगस्त 19 को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो जो एम है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, वो ये कि इंस्पायर किया जा सके पूरी दुनिया के फोटोग्राफर्स को कि वो शेयर करें अपनी पिक्चर्स को, और जो उनकी पिक्चर्स की स्टोरी है उसको शेयर करें। जो ये दिन है 19th ऑफ अगस्त, इसको क्यों इसको चुना गया, वो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि एक डिवाइस था जिसका नाम था डाग्रेटो टाइप, एक फोटोग्राफिक प्रोसेस था जिसको एक फ्रेंचमैन जिनका नाम था लुइस डाग्रेटो, उनके नाम पे इस डिवाइस को रखा गया। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1837 में। हम चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पे। इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप जो कि हुई थी कजाकिस्तान में। इंडिया ने चाइनीज़ ताइपे को हराया इस समिट में। जो फाइनल राउंड था उसमें 3 matches हुए थे, 2 singles और 1 doubles के। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मानस धमा, अर्नव बाबराकर और तमिलनाडु के प्रणव रेथिन ने। हम चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $1 million UN स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड के लिए फॉर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम। तो ये जो स्पेशल फंड है जो कि UN सेक्रेटरी के साथ होता है, तो इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है UN के पास, उसको मैनेज करना, जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी। तो यूनाइटेड नेशन जैसा आपको पता है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टास्क है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और जो वेरियस नेशन है दुनिया की जितनी भी कंट्री उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन रखना ताकि वो सब डेवलप कर सकें, उनके बीच में ट्रेड हो सके। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको बनाया गया था 24th ऑफ अक्टूबर 1945 में, और इसके जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है अंतोनियो गुतारस। हम चलते हैं अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा आपको पता है, वो अपनी फॉरेन विजिट पे भूटान गए थे, तो उनकी विजिट के टाइम 10 MOUs मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, जब उनकी ये सेकेंड विजिट थी भूटान को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानीज काउंटर पार्ट जिनका नाम है लोतेया त्शेरिंग, उनके साथ उन्होंने काफ़ी सारे बायलेटरल इशूज़ पर बात करी, काफ़ी सारे MOU साइन किए। जो ये दोनों लीडर्स ने MOU साइन किए वो थे इन फील्ड ऑफ एनर्जी, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च, एविएशन, IT, पावर और एजुकेशन। इसके अलावा बात की गई जो इन दो कंट्रीज़ के बीच रिलेशन को इम्प्रूव करने की, इनको और इकोनॉमिकल बनाने की, PM नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा एक मैंगोदीचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इनॉग्रेट किया भूटान में, जो कि मैंगोदीचा रिवर पर बना है। हम चाहते हैं अपने सिक्स न्यूज़ पे। BCCI ने रिटेन कर लिया, उन्होंने कंटिन्यू करवाएंगे वो रवि शास्त्री को एज टीम इंडियाज़ हेड कोच, और ये उनकी जो पोजीशन है ये रहेगी 2021 तक। तो रवि शास्त्री को रीअपॉइंट कर दिया गया एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम टिल 2021,
और जो ये उनकी अपॉइंटमेंट है, या ये कपिल देव लेड क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी से जो इनका टेन्योर है, वो T20 वर्ल्ड कप जो कि 2021 में इंडिया में होना है, तब तक उनका ये टेन्योर चलेगा। अब तक जो रवि शास्त्री ने जितना टाइम टीम इंडिया को कोच किया, उसमें अगर उसका एक रिजल्ट देखें तो इंडिया ने 21 टेस्ट में से 11 टेस्ट को जीता है, 60 ODIs में से 43 ODIs को जीता है और 36 T20s में से 25 T20s को जीता है। थोड़ा हम बात करें BCCI के बारे में, तो BCCI जिसके फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की हमारी कंट्री में। इस बोर्ड का बनाया गया था दिसंबर 1928 को। ये पहले एक बोर्ड नहीं होता था, एक सोसाइटी होती थी जो कि रजिस्टर्ड थी अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके इसमें प्रेजेंट CEO है राहुल जौहरी और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई। हम चलते हैं 7 न्यूज़ पे। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया जोधपुर मुनाबाव थार लिंक एक्सप्रेस जो कि जाती थी पाकिस्तान से। तो समझौता एक्सप्रेस सिर्फ अकेली एक्सप्रेस नहीं है, ट्रेन सर्विस नहीं है जो दो कंट्रीज़ को ज्वाइन करती है, थार लिंक एक्सप्रेस भी है वो दूसरी एक्सप्रेस लाइन है जो इन दो कंट्रीज़ को मिलाती है। तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया थार लिंक एक्सप्रेस को जो कि जोधपुर जो कि इंडिया में उसको कनेक्ट करती थी कराची जो पाकिस्तान में। ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया कुछ दिनों बाद। इससे पहले उन्होंने समझौता एक्सप्रेस को भी उनको कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो सस्पेंड कर चुके हैं सारी ट्रेन सर्विसेज जो इंडिया को जाती हैं। अगर हम बात करें थार लिंक एक्सप्रेस के बारे में, तो एक इंडियन पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन है जिसका हमने नाम रखा है थार एक्सप्रेस, जो कि एक वीक में दो बार ऑपरेट करती है। इसके लिए ये एक वीक में एक बार ऑपरेट करती है और इसके लिए जो इंडियन रेलवेज अपने कोचेज और अपने लोकोमोटिव्स को यूज़ करता है बिटवीन जोधपुर एंड मुनाबाव इन पाकिस्तान। इसकी सर्विस शुरू हुई थी 2006 में। हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पे, लास्ट न्यूज़ पे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को ऑब्जर्व किया गया अगस्त ऑफ 2019। तो ये जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ट्रिब्यूट दिया जा सके जो लोग ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में अपनी लाइफ्स को डेंजर में डालते हैं। जो 2019 का थीम था वो था वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सारे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं वो भी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आपको करंट अफेयर्स और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर होगी। आप कोशिश करें इस वीडियो को रोज़ देखने की, आपकी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।